नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है? क्योंकि देखिए, सबकी निगाहें इसी ओर थी। अगर परमाणु परीक्षण ईरान कर लेता है तो फिर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, एक बड़ी खबर आ रही है परमाणु परीक्षण को लेकर जो ईरान से जुड़ी हुई है, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए नीलू, इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस खबर की चर्चा है वो ये है, वो ये सवाल है कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। और ये इसलिए कहा जा रहा है, इसकी वजह क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए, 5 अक्टूबर को रात को ईरान के टाइम के मुताबिक रात को करीब 10:45 पर ईरान में एक भूकंप आता है। ये भूकंप था, सेमनन प्रांत है यहाँ का, वहाँ का अरादन शहर है, यहाँ पे करीब जो है भूकंप आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर जो है कि 4.5 जिसे बताया गया, हाँ तीव्रता जिसकी बताई गई। और इसी के आसपास जो है वो इसराइल में भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। अब इसमें जो गौर करने वाली बात ये है कि कुछ जो जियोलॉजिकल लैब्स हैं जिन्होंने इसको नोट किया, रिकॉर्ड किया आसपास की, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग दो बातें बताई हैं। पहली बात तो ये है कि एक तो इस भूकंप का जो केंद्र था, इसकी गहराई बेहद कम थी, सिर्फ 10 किलोमीटर ज़मीन के नीचे जो है वो इसका केंद्र था, एपिसेंटर था, पहली बात। दूसरी बात, कुछ जियोलॉजिकल लैब्स का कहना ऐसा है कि भूकंप आने के बाद जिस तरह की तरंगे बनती हैं, वेव्स बनती हैं, भूकंप की जो तरंगे बनती हैं, ये जो भूकंप आया, इसकी जो वेव्स थी, तरंगे थी, ये भूकंप की तरह तरंगों से अलग थी। इस भूकंप के बाद जो तरंगे थी वो बहुत कुछ उस नेचर की थी जैसे कोई बड़ा धमाका होता है। ये रिपोर्ट्स आने के बाद अचानक ये स्पेकुलेशंस शुरू हो गए, इस तरह की अफवाहें चलने लगी या अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि क्या ईरान ने ये वाकई न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। और एक गौर करने वाली बात ये है कि इस भूकंप के बाद कोई आफ्टर शॉक्स नहीं आए, ये तीसरा बड़ा मुद्दा है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब 4.5 या 5 के तीव्रता के आसपास का, हाँ, उसके आफ्टर जो शॉक्स हैं वो महसूस किए जाते हैं, लेकिन इस भूकंप के झटके के बाद कोई भी दूसरा झटका और महसूस नहीं किया गया। तीसरी, एक चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पे जिस ये जो इलाका है, सेमनान प्रांत है और अरादन शहर है ईरान का, इसके पास ही ईरान का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। तो देखिए, ये 4-5 पॉइंट्स जो हैं ये बहुत सस्पिशन पैदा कर रहे हैं, जिसको लेके अब इसराइल, अमेरिका, यूरोप, कई एजेंसीज यहाँ की जो है वो अब इसको जांचने में लग गई हैं कि क्या ये किसी तरह का परमाणु परीक्षण तो नहीं था। लेकिन मैम, देखिए, जो बात आपने कही कि कुछ पॉइंट्स आपने गिनाए और उसमें यही कहा गया कि भूकंप के झटके नहीं है, परमाणु परीक्षण था, इस चीज़ के प्रमाण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ईरान परमाणु परीक्षण करे और किसी को भनक तक ना लगे, खासतौर पर अमेरिका को? देखिए, जैसा कि कुछ सोशल मीडिया पे जैसी चर्चाएं हैं या जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, देखिए, 6 बड़े पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की। एक उसमें बोनेप साइट है, एक नतांज है, एक फोर्डो है, एक रुदन है, एक शेरिफ है और इस्फहान है। ये 6 बड़े न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान के, जहाँ पे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, हमने पहले भी अपने एक वीडियो में इस बात की चर्चा की थी, अगर IAEA जो है इसकी हम रिपोर्ट्स की चर्चा करें तो ईरान के पास पहली बात तो ये है कि 84% संवर्धित यूरेनियम क्षमता हासिल जो कर ऑलरेडी ईरान ने हासिल कर ली है। देखिए, अगर आप न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हैं तो कहा जाता है कि 90% से ज़्यादा आपके पास जो है वो संवर्धित यूरेनियम चाहिए, तो उसमें से करीब 84% की क्षमता इसने ईरान ने, जैसा IAEA बता रहा है, कि ऑलरेडी हासिल कर ली है। और IAEA की रिपोर्ट्स को ही अगर माने तो आज की डेट में, जैसा कि वो अगस्त की रिपोर्ट थी, उसमें कहा जा रहा था कि ईरान के पास 4-5 न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता ऑलरेडी आ चुकी है। ये अगस्त की रिपोर्ट थी IAEA की। हाँ। और ये कहा जा रहा था कि करीब 164.7 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास ऑलरेडी है। ये अगस्त की रिपोर्ट थी। अब ऐसा बताया जाता है कि उसके बाद से ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी। आप देखिए कि लगातार हिजबुल्ला की तरफ से ये अपील हो रही थी कि ईरान अटैक करे, ईरान अटैक करे। जिस तरह का टेंशन था जब हमास पे हमले हो रहे थे, या हिजबुल्ला भी इसमें इन्वॉल्व हुआ,
तब इस सिचुएशन को देखते हुए और तेज उसने अपने परमाणु प्रोग्राम को कर दिया, परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। और न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि ईरान जो है, ईरान की तरफ से जो अभी मिसाइल अटैक हुए इसमें काफ़ी देरी हो रही है, उसकी भी एक वजह एक्सपर्ट से बताते हैं कि ईरान ये नहीं चाह रहा था कि किसी भी तरह से उसका हमने चर्चा की कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी तरह की आंच ना आए। अब देखिए हम आपको बताएं नीलू, एक नतांज जो इसका न्यूक्लियर साइट है, ये नतांज न्यूक्लियर साइट एकदम पहाड़ों के बीच में बनी हुई साइट है जो पावर प्लांट है। और यहाँ पे बताया जाता है कि जमीन से काफी नीचे 200-250 फीट गहरी सुरंगे हैं जहाँ पे ये न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। तो देखिए अमेरिका के सैटेलाइट्स इसको ना पकड़ पाए, यहाँ पे अंदर किस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, इसको छुपाने के लिए ही बड़ी गुपचुप तरीके से ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर ईरान परमाणु परीक्षण कर लेता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए ये अगर ईरान ने, मैं आपको एक ट्रंप के, डोनाल्ड ट्रंप के बयान का जिक्र करना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दिया था और उन्होंने बड़ा साफ कहा था कि इसराइल को, अमेरिका को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करना चाहिए। ये ट्रंप इस चीज़ को लेके बड़े शुरू से क्लियर हैं और वो ये चाह रहे, उनका कहने का मतलब ये था कि एक बार अगर ईरान ने न्यूक्लियर क्षमता हासिल कर ली, न्यूक्लियर बम हासिल कर लिया, उसके बाद इस इलाके का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा, उसके बाद आप फिर ईरान पे उस तरह से हमले नहीं कर पाएंगे जिस तरह से अभी संभव है। तो ट्रंप का ये कहना था कि ईरान को किसी भी सूरत में रोका जाए, उसको जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने से रोका जाए। लेकिन अब इसके बाद ये जो घटना हुई है, ये वाकई भूकंप था या ये वाकई न्यूक्लियर टेस्ट था, इस बारे में भी पुख्ता तौर पे कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन बड़े सारे स्पेकुलेशन ऐसे हैं। तो यानी कह सकते हैं कि जो इसराइल अब तक का बहुत अग्रेसिव दिखाई दे रहा था, वो अब बहुत सोच समझकर अपनी चाल चलेगा या फिर हमले करेगा? देखिए इसके कई सारी चीज़ें हैं। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ जाता है, अगर हम मान लें कि देखिए अभी तक ईरान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, ईरान इस बात पे बिल्कुल खामोश है, उसकी भी कई वजह बताई जाती है कि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर क्षमता हासिल कर भी ली है तो भी इस सैंक्शंस की बिल्कुल सही कह रहे हैं लगे हुए हैं और कह रहा है बढ़ जाएंगे, अगर ऐसा होगा तो और सैंक्शन बढ़ा दिए। इसीलिए ईरान जो है अगर न्यूक्लियर क्षमता हासिल करता भी है तो इस बारे में कोई बात बयान ईरान की तरफ से नहीं आएगा। लेकिन आप जब न्यूक्लियर बम हासिल कर लेते तो इसकी जानकारी तो सब तक पहुंच ही जाती है, बिल्कुल, वो मोसाद के पास भी होगी, वो CIA के पास भी होगी। और देखिए अगर आप देखें कि ईरान की जो आप बता रहे हैं कि इसका क्या असर होगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए ईरान के पास मिसाइल्स की अगर हम बात करें, ईरान की जो फतह 2 मिसाइल है इसकी दूरी है 1400 किलोमीटर, करीब 1400 किलोमीटर तक ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके ट्रेवल कर सकती है। दूसरी है खुर्रम शहर 4 मिसाइल, जिसका हमने पहले भी एक जिक्र किया था, ये करीब 2000 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा जा सकती है। ईरान ने अभी दिखाया भी था, इसका प्रदर्शन भी किया था, ये भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकती है। आप देखिए करीब 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है ईरान और इसराइल का। जो फतह 1 मिसाइल्स अभी फायर की गई थी, जो लगा 180 मिसाइल्स, वो भी करीब 2000 किलोमीटर ट्रेवल करके आई थी। तो वैसी खुर्रम शहर मिसाइल जो है ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेके जा सकती है। ऐसी ईरान की तीसरी मिसाइल है तलैया कहते हैं जिसे, ये करीब 1500 किलोमीटर जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकती है। तो देखिए ईरान के पास ऐसी कई मिसाइल्स हैं जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके सीधा इसराइल के किसी भी शहर को निशाना बना सकती है। तो अगर ऐसे हालात में अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ जाता है, वो सफलता इसमें हासिल कर लेता है, तो इस पूरे इलाके का समीकरण जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। ठीक है, ये तो चलिए परमाणु परीक्षण की बात हो गई, लेकिन कल हमने देखा यमन से हूतियों ने भी हमला किया है इसराइल पर, क्योंकि ये भी बता देना जरूरी है कि इस बीच लगातार हमले हो रहे हैं और इस वक्त इसराइल चौतरफा हमले झेल रहा है, मैं क्योंकि कहा जा रहा है कि हूती भी वहाँ से लगातार मिसाइल दाग रहा है, या फिर हमास और हिजबुल्ला तो पहले से थे, ईरान ने भी एक अटैक कर ही दिया है, बता ही दिया है। तो इसराइल के लिए ये जो वक्त है वो बहुत ही, मतलब कह सकते हैं, चुनौती भरा है और चुनौती भरा है। देखिए बिल्कुल ठीक है आपने, हिजबुल्ला ऑपरेशन तो इसराइल का चल रहा है तेजी से लेबनान में, लेकिन उसके बाद भी जो है रॉकेट्स हिजबुल्ला की तरफ से भी फायर हो रहे हैं। हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि करीब 17 रॉकेट्स गिरे हैं दक्षिणी उत्तरी इसराइल पे, जिससे जिसकी नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब जैसे देखिए हूती भी जो है वो लगातार निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है इसराइल को, और कल रात को भी बताया जा रहा है कि 5 रॉकेट्स जो हैं हिजबुल्ला की तरफ से मिडिल मध्य इसराइल में फायर किए गए। तो देखिए कुल मिला के आप देखिए हमास वाला फ्रंट भी अभी ऑन है, हिजबुल्ला के साथ तो लड़ाई चल ही रही है, हूती के साथ भी चल रही है, और अब सबकी नज़रें इस बात पे हैं कि इसराइल का ईरान को लेकर क्या अगला कदम होगा। और ईरान जो है वो तेज़ी से इस बात के लिए तैयार है और तेज़ी से तैयारियां अपनी पूरी करने में जुटा हुआ है कि अगर इसराइल का हमला होता है
तो फिर कैसे उसको उसका जवाब देना है। और इस बीच में एक बड़ी खबर है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो ईरान के राष्ट्रपति जो पेजेशकियान है इनसे मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा, तो ये देखिए, ये मुलाकात होती है अगर, इसमें इसराइल को लेके क्या चर्चा होती है। अभी हमने देखा था कि अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने योव गैलेंट से मुलाकात की, इसराइल के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। तो देखिए, एक बड़े स्तर पे ये अगेन फिर वही बात है, रूस वर्सेस अमेरिका जो है वो स्थिति बनी हुई है। और इसराइल का अगला कदम जो है वो क्या किसी बड़ी युद्ध को भड़का देगा, ये देखने की बात है। और इस पे सब देखिए, हर बार हम इसी नोट पे छोड़ते हैं कि क्या कोई बड़ा हमला होने वाला है या किसी तरह से इस युद्ध को भड़काया जाएगा। लेकिन देखिए, इस बीच जो दो बड़ी खबरें हमने आपको बताई कि पहला कि किस तरह से ईरान ने एक विस्फोट दर्ज किया गया, क्या वो परमाणु विस्फोट है, क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया, और दूसरी तरफ इसराइल पर लगातार चौतरफा हमले हो रहे हैं। अब ये हमले किस तरह से हैं और परमाणु परीक्षण को लेकर आगे आने वाले दिनों में किस तरह की बातें और हो सकती हैं, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।